जब ब्लास्ट हुआ तो बहुत मतलब आग का गोला जैसा उठा और बस करीब 30 फीट के करीब उठी। घटना का बदला जरूर लेंगे, चाहे इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। बातों को भुलाना पड़ेगा और हमें आगे बढ़ना पड़ेगा और हमें बदला लेना है उस चीज़ों का। चौदह फरवरी को सीआरपीएफ के काफिले पर हुए आत्मघाती आतंकी हमले में 40 जवान शहीद हो गए थे। इस काफिले में 70 गाड़ियां थीं, जिनमें से एक गाड़ी को हमलावर ने निशाना बनाया था। इस काफिले में मौजूद एक जवान ने इस खौफनाक मंजर की आंखों देखी हाल सुनाया। मेरा नाम कांस्टेबल ड्राइवर सुरेंद्र यादव, मैं सर यूपी डिस्ट्रिक्ट देवरिया से हूं। इस हमले में इस जवान ने अपने साथियों को खो दिया। उसमें हमारे क्लोज के 4 शहीद हुए। उस घटना के बारे में, हम उस बस से 3 बस पीछे थे जब ब्लास्ट हुआ तो बहुत मतलब आग का गोला जैसा उठा और बस करीब 30 फीट के करीब उठी, उसके बाद आके नीचे गिरी। बस के पूरे चिथड़े उड़ गए और जवान जो उसमें थे सारे मतलब सारे लाश पड़ी इधर उधर छिट गए थे सब। और हम लोग जहाँ थे वहाँ अपना पोजीशन लेके पोजीशन ले ली। हम भी उसी कन्वाई से आ रहे थे जो बस ब्लास्ट हुई थी, उससे 4थी बस हमारी थी और अवंतीपुर से पामपुरा के बीच में ही ब्लास्ट हुआ, जिसमें हमारे आगे जो 4थी बस चल रही थी वो ब्लास्ट हुई और उसमें सारे जवान जो है शहीद हो गए। और हम लोग अपना पोजीशन लिए और सेफली पोजीशन लेकर के नीचे हो गए। फिर उसके बाद हमारे अफसर आए, उन्होंने कहा कि ठीक है आप लोग आप सेफ जगह 130 बटालियन अवंतीपुर चले जाएं। वहाँ से हमने उन गाड़ी मोड़ा और अवंतीपुर आकर के आ गए हम लोग। वहाँ आए उसके बाद जो घायल थे उनका उपचार किया गया, कुछ देर वहाँ रुके, उसके बाद फिर जो है वहाँ से कानवाई मार्च हुई और लगभग 1:30 बजे हम श्रीनगर पहुँचे। आपको बता दें कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स सीआरपीएफ पैरा मिलिट्री फोर्स में आती है। सीआरपीएफ के अलावा पैरा मिलिट्री फोर्स में सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स सीआईएसएफ, सशस्त्र सीमा बल एसएसबी, असम राइफल्स एआर, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस आईटीबीपी, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स एनएसजी और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ आती है। सीआरपीएफ आंतरिक सुरक्षा का काम करती है। नक्सल ऑपरेशन को अंजाम देना हो या लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना हो, ये काम सीआरपीएफ बखूबी करती है। बीएसएफ से पहले सीआरपीएफ ही इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर की सुरक्षा करती थी। कश्मीर में भारत विरोधी गतिविधियों को रोकने और आतंकियों के खात्मे में सीआरपीएफ के जवानों ने अहम भूमिका निभाई है। चाहे अमरनाथ यात्रा हो या फिर मुहर्रम, सीआरपीएफ के जवान पूरी देशभक्ति के साथ अपनी ड्यूटी निभाते हैं। कश्मीर जितना खूबसूरत है उतना ही बुखार भी, खास तौर पर ठंड के दिनों में जब यहाँ तापमान 0 से 20 डिग्री नीचे तक चला जाता है, ऐसे में भी जवान डटे रहते हैं।